कर्नल सैंडर्स की ये स्टोरी किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। वह एक ऐसा इंसान था जो जीवन भर संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने लास्ट डेज में सक्सेस की एक ऐसा मिसाल पेश की जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। जब सैंडर्स 5 ईयर्स के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। पैसों के लिए उन्होंने छोटे छोटे जॉब्स करना शुरू किया। 17 साल की एज आने तक उन्हें 4 जॉब्स से निकाला जा चुका था। 18 ईयर्स की एज में ही उनकी शादी हो गई और 22 ईयर्स आने तक उन्होंने कंडक्टर का काम किया था। 19 ईयर्स की एज में वह पिता बने। 20 ईयर्स की उम्र में उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई और बच्ची को भी अपने साथ ले गई। फिर वह आर्मी में गए, वहाँ भी उनको निकाल दिया गया। लॉ स्कूल में अप्लाई किया तो रिजेक्ट कर दिया गया। लोगों के इंश्योरेंस का काम शुरू किया, वह भी फेल हो गया। अपनी खुद की बेटी से मिलने के लिए उन्होंने उसे किडनैप करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। एक होटल में बावर्ची का काम कर 65 ईयर्स की उम्र में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद पहले दिन ही गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मात्र $100 का चेक मिला। कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो एक शानदार कुक थे। गवर्नमेंट से उन्हें मिले $100 चेक से $87 निकालकर कुछ चिकन फ्राई कर उसे गलियों में बेचने लगे। 65 ईयर्स के जिस इंसान ने सुसाइड करना चाहा, वही सैंडर्स 88 ईयर्स में मिलियनेयर बने, यानी केंटकी फ्राइड चिकन KFC के ओनर बने, जहां आज वर्ल्ड वाइड KFC आउटलेट्स है और KFC एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। कर्नल सैंडर्स का स्ट्रगल वास्तव में हार्ट टचिंग है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए निकाल दिया, यहां तक कि 65 ईयर्स में सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, वही इंसान 88 ईयर्स की उम्र में मिलियनेयर बन गए। सैंडर्स की लाइफ बताती है कि कभी निराश नहीं होना और अंतिम सांस तक ट्रायल्स शुरू रखना, क्योंकि किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.